हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है। निफ्टी ने एक सॉलिड बेयरिश कैंडल फ्रेम किया है और ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी ने भी एक सॉलिड बेयरिश कैंडल फ्रेम किया है। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कल कहाँ बाय करना है, कल कहाँ सेल करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि आपको पता है कल मंथली एक्सपायरी है, फरवरी सीरीज का कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरा एडवाइस आपको है कि कल के डेट में आप काम मत कीजिए। कल वाला एक्सपायरी में आप कोई भी ट्रेड नहीं लीजिए, आप वन वीक एक्सटेंड कर लीजिए, मतलब मार्च का जो फर्स्ट वीक का होगा आप उसमें काम कीजिए। क्योंकि कल जो हमारा है मंथली एक्सपायरी, कल मार्केट में बहुत ज़रा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा। थीटा का पावर भी बहुत हाई होगा, थीटा भी बहुत हाई रहेगा, इस वजह से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक हफ्ता एक्सटेंड कर लीजिए ताकि मार्केट में जो भी थीटा का इफेक्ट है वो कम आपको फेस करना पड़े। तो कल मंथली एक्सपायरी है, कल क्या मार्केट में अगेन आपको सीलिंग देखने मिलेगा या कल मार्केट बाउंस बैक करेगा ऊपर, कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगा, हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो कल हो सकता है कल मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि मार्केट इस वीक कंटिन्यू, देखिए लास्ट 5 डेज से मार्केट कॉन्स्टेंट गिर रहा है। ये निफ्टी देखिए गिर रहा है और ये बैंक निफ्टी भी लगातार फाइव डेज से कंसिस्टेंट विथ लोअर हाई एंड लो पैटर्न मारते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। तो कल हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खोले या फ्लैट खोले, तो नीचे जाके फिर रिटेल ट्रेड ट्रैप कर कल शॉर्ट कवरिंग कर ले, कल ऊपर आ जाए, ऊपर आए क्लोज करें। सेम निफ्टी में भी कल ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन खोले या फ्लैट खोले, थोड़ा हल्का नीचे जाए, फिर यहाँ पे बीयर्स को ट्रैप करके शॉर्ट कवरिंग कर ले, ये एक पॉसिबल है। या फिर कल मार्केट और अपना डाउनसाइड मोमेंटम स्पीड से कर सकता है। ओके, बाकी ये मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, ऐसा नहीं कि 5 दिन गिर गया तो कल नहीं गिर सकता, कल भी गिर सकता, लेकिन कल चांसेस लगा कल एक शॉर्ट कवरिंग में देखने मिल सकता है। तो कल अपना लेवल पे काम करेंगे, कल ब्रांडली काम मत कीजिए कोई भी। तो निकालते हैं निफ्टी के लेवल्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम। फर्स्ट बात करते हैं सेलिंग की, निफ्टी अपने सेल कहाँ करेंगे। निफ्टी अपने सेल करेंगे 17,530 के नीचे, 17,530 के नीचे सेल करेंगे। फॉर द फर्स्ट टारगेट 17,490, सेकेंड टारगेट 17,440 एंड फाइनल टारगेट 17,360। तो तीन लेवल कल के लिए, कल अगर मोस्ट प्रोबेबली सब लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो आपको फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी को बाय कहाँ करेंगे। निफ्टी को अपने बाय करेंगे 17,600 के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टारगेट 17,655 एंड सेकेंड टारगेट 17,754। यहाँ से काफी बिग टारगेट है सेकंड टारगेट। तो ये निफ्टी का लेवल हो गया, आप वीडियो को रिपीट करके सारा लेवल देख लीजिएगा। अब निकालते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम से। उससे पहले बात करते हैं आज हमने क्या किया। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं सारा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए आज हम लोगों ने मॉर्निंग में 9:46 AM हम लोगों ने बाय किया 17,750 में और 40,488 में, जब निफ्टी ऐसा नीचे आ रहा था और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, हम लोगों ने बाय किया। इसमें हम लोग अच्छा प्रॉफिट हुआ, हम लोगों ने इसको सेल किया, कितना चेक कीजिए, हम लोगों ने सेल किया निफ्टी 109 रुपीज में और बैंक निफ्टी 221 रुपीज में, अच्छा प्रॉफिट हुआ। देन अगेन हम लोगों ने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लिया, हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया, दोनों में अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम लोगों ने बाय किया बैंक निफ्टी 40,200 में एंड 17,700 में, इसको हम लोगों ने सेल किया। निफ्टी को सेल किया 92 रुपीज, निफ्टी को सेल किया 92 रुपीज में और बैंक निफ्टी को सेल किया 232 रुपीज में। ओवरऑल हम लोग को निफ्टी में आज 35-40 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ और बैंक निफ्टी में हम लोग को 80 पॉइंट्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ। ये हमारा आज का डे था, हमारे सारे टेलीग्राम मेंबर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, लिंक से जुड़ जाइए, आपको इसमें लर्निंग भी होगा और आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अब निकालते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम। फर्स्ट बात करते सेलिंग की, बैंक निफ्टी पे सेल कहाँ करेंगे। बैंक निफ्टी का पे सेल करेंगे 39,900 के नीचे, 39,900 के नीचे सेल करेंगे। फॉर द फर्स्ट टारगेट, क्विक टारगेट है यहाँ से 39,770, 130 पॉइंट टारगेट है, स्मॉल टारगेट है, इसके बाद फिर टारगेट काफी बिग है 39,500। ये लेवल ब्रेक हो जाए तो यहाँ से हम लोग को करीब करीब 270 पॉइंट टारगेट है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं बाइंग की, बैंक निफ्टी को बाय कहाँ करेंगे। बैंक निफ्टी को पे बाय करेंगे 40,150 के ऊपर।
अगर ये लेवल के नीचे, ये लेवल के ऊपर अगर 27 सस्टेन कर जाए 10 में टाइम फ्रेम में या 50 में टाइम फ्रेम में, यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा, यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा और यहाँ से टारगेट काफी बिग है। फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 40,500, काफी बिग टारगेट है, 350 पॉइंट टारगेट है। यहाँ से फिर डब्ल्यू पैटर्न आपको देखेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न। ओके, तो कहने का मतलब है अगर कल बैंक निफ्टी 40,150 के ऊपर एक 10 में टाइम फ्रेम में या 50 में टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम हम लोग को स्पीड से दिखेगा। तो हमारा टारगेट बनाएगा 40,500 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट, सेकेंड टारगेट हमारा आ रहा है 40,776। दो लेवल अपर साइड के लिए, आप वीडियो को रिपीट करके सारा लेवल देख लीजिएगा। और कल जो भी अपडेट होगा, जैसे कि हम लोग एवरीडे का अपडेट, सब अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, सब टेलीग्राम चैनल में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।